जैन समाज के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कर्नाटक के बेलगांव में जैन साधु की हत्या पर जताया आक्रोश, कठोर कार्यवाही करने की मांग। पिछले कुछ दिनों पहले कर्नाटक राज्य के बेलगांव में आचार्य कनकनंद के शिष्य काम कुमार नंदी अपने आश्रम पर विश्राम कर रहे थे। असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की है, उसको लेकर समस्त प्रदेश सहित देश के जैन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। जैन समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कर्नाटक के बेलगांव में साधु की हत्या के मामले में जैन समाज के सैकड़ों लोग वर्धमान कॉम्प्लेक्स पर एकत्रित होकर तहसील में पहुंचे। जिस प्रकार साधु की निर्मम हत्या की गई है, इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। उनकी इस हत्या से पूरे देश में और हिंदू समाज और जैन समाज में भारी रोष है। जैन समाज के लोगों ने यह भी मांग की है कि जिन लोगों ने साधु की हत्या की है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद नजर आए। इस दौरान एसडीएम दिनेश सावरे ने जैन समाज के लोगों का ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वस्त किया और उनकी मांग को आगे तक भेजी जाएगी। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। करूं रुक तो जा, मुंह तो खड़े बंद लो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। मैं नमन से गिरो वीडियो शेयर कर लियो। आज दिगंबर जैन समाज द्वारा जो आज तहसील प्रांगण में ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है? वे मुद्दू लाग जैन प्रतिनिधि जैन समाज आरोन, आज जो ज्ञापन दिया गया है आपके प्रदेश से हटकर मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये ज्ञापन जैन समाज का अकेला नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समाजों का ये ज्ञापन है। सभी लोगों ने एकत्रित होकर आज कुछ दिन पूर्व कर्नाटक प्रांत के चित्तौड़ी जिले में श्री काम कुमार नंदी जी महाराज, जो जैन मुनि थे, उनकी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा निर्मम हत्या की गई है, जिसके कारण से यह पूरा भारतवर्ष शोक की घड़ी से गुजर रहा है। और जैन समाज की हत्या नहीं, बल्कि एक जैन संस्कृति और सनातन संस्कृति की हत्या हुई है, जिसको हम किसी भी सीमा तक बर्दाश्त नहीं करें।